नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर और फर्स्ट, इसे चेक करना है कि यह जो इक्वेशन दिया हुआ है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। तो आइए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो आइए इसे क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक एक्स को क्या करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2x स्क्वायर, और फिर एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स, फिर क्या करेंगे माइनस 3 को करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6x और माइनस 3। उसी तरह से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और क्या होगा 5x। अब इसे क्या कर लेते हैं, एक साइड ले आते हैं 2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए x है और ये माइनस 6x है यानी इसे हम माइनस 5x कर लेते हैं माइनस 3, और इस x को इधर ले आते हैं x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और माइनस 5x इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया तो क्या बच गया हमारा, x स्क्वायर और माइनस 5x और माइनस 5x क्या हो गया माइनस 10x, और हमारे पास क्या बच गया माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यह देख रहे हैं इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देख रहे हैं कि यह जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, और ए बी सी तीनों के जगह रियल नंबर भी है, और ए के स्थान पर जो रियल नंबर है वह जीरो के जीरो नहीं है, अर्थात कह सकते हैं कि यह जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे लिख सकते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। इसलिए कह सकते हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी जो फाइनल आंसर होगा हमारा क्या होगा, यस होगा।